तो मुझे सारी प्रिपरेशन कर दे पाल दीदी की, क्या होगा मेरे को लगता है 25 तोला दर्द हो रहा है। सुबह से उठी हुई हो ना, ये टाइम हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इतनी बड़ी खुशखबरी है ना, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे पहली बात बताऊँ तो जो लेडीज़ माँ नहीं बन सकती उसके लिए भी इतना अच्छा मौका है उस हॉस्पिटल ने, जो उम्मीद दी है ना उन लेडीज़ों के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और एक बार ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए, तो हो सकता है एक फूल आपके आंगन में भी डोले। तो बस यही उम्मीद लेके मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आपके आंगन में भी खुशियाँ हो और आप भी खुश रहें और पूरी फैमिली में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो चलिए करते हैं, आज मैं बात करने वाली हूँ अरमान मलिक, पायल मलिक और गोलू मलिक के बारे में, क्योंकि गोलू मलिक के हुआ है लड़का ऑपरेशन से और बहुत ही हेल्थी है, और दोनों माँ बेटा मतलब कि दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं और ठीक ठाक हैं। तो बस यही खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं आपके साथ दिखाती थी कि पायल ने कितनी ज़्यादा मतलब तैयारी करी है उनके आने की। और अरमान मलिक सर के बारे में तो है कि दो शादी करें सब लोग, ऐसा नहीं, क्योंकि दो शादियां करना भी आसान से समझाती है गोलू को, और गोलू किस तरीके से समझती है उसे बड़ी बहन की तरह समझती है, पायल मैम को इतनी अच्छे से समझती है। अगर वो डांट भी देती है तो भी प्यार से बहुत ही अच्छे से समझती है, और बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, ये तो परिवार में मामूली बात होती है, नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन सच में उन तीनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत ही अच्छी। तो फैमिली में बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए देखते हैं कि अरमान मलिक और पायल मलिक ने किस तरीके से करी तैयारी। तो चलिए चलते आने वाला है। तो मुझे सारी प्रिपरेशन करनी है। चीकू के पापा की तबीयत थोड़ी डाउन है, वो सुबह सुबह 6:30 बजे हॉस्पिटल गए थे और उनको फीवर है, तो उनको मैंने रेस्ट करने के लिए बोला है। फटाफट से सारे घर की सफाई करती हूँ। सबसे पहले मुझे बच्चों की अलमारी सेट करनी है, सारे कपड़े बेड से निकालने हैं, और जो अलमारी बाहर बन रही है ना उसका भी कोई फायदा नहीं, उसे तो पैरों में बिठा के नहलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो बैठे थोड़ा 4-5 महीने का होगा तभी, और ये इसका भी खेलने का भी कोई फायदा नहीं है, तो ये भी रख दे। एक काम कर तू बेड में ना, मैं अलमारी में पहले वो पेपर चिपका दे, ठीक है, ग्रीन कलर इसमें काट दे, पूरा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी तो चिपक गया सारा। तो गाइस हमने सारे अलमारी में ये वाला पेपर लगाया ताकि बच्चे के जो कपड़े ना धुले धुलाए गंदे ना हो, तो मैंने ये सारे लगा दिया। नहीं बस थोड़ा सा काट के यहां पे और लगा दे, ये हो गया कंप्लीट। अब पहले अलमारी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे कपड़े हैं सेट है मेरे बच्चे के, ला दीपक और दे, ये रॉम्पर वाले, जी ये रॉम्पर वाले हैं, और ये फ्रॉक्स है। ये फ्रॉक्स का तो अभी गाइस कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, हमारे काम आने वाली है। मैं तो चाहती हूं भगवान और फ्रॉक से पूरी अलमारी भर जाए। ला ये क्या सेट है, ठीक है। वो बाबा के थे जिसमें हमने डाला है, तो इस बकेट में हमने डाली है टोपियां सारी, इस बकेट में डाले हैं सारे नैपीज, और ये हमारे बच्चे के पिलो। दीदी क्या लगता है आपको क्या आएगा, लड़का या लड़की? आप मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से एक लड़का एक लड़की होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए। ये हमारे बच्चे की बूटियां रख देते हैं, ये अच्छा फिर भविष्यवाणी कर दे पाल दीदी की क्या होगा। मेरे को लगता है लड़का या लड़की दोनों एक साथ होंगे, सब बोले लड़के की लड़की, मुझे लगता है लड़का लड़की दोनों होंगे, लड़का और एक लड़की होगी, क्योंकि पहले हो चुका है हमारा लड़का, अब एक लड़का लड़की और चाहिए। अनुज भैया भविष्यवाणी करना पाल दीदी की क्या होगा, लड़का लड़की, और चैन देखी मेरी 25 तोला किसकी है, मेरी है, एक लड़का एक लड़की। पैरों में तो दर्द हो रहा है, सुबह से उठी हुई हूं ना, ये टाइम हो गया काम करते करते, पैरों में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, उल्टा भी ऐसा वोमिट जैसा फील हो रहा है। 10 बजे उठे ना सुबह, सुबह 10 बजे उठे, काम भी तो तब से कर रहे हैं ना। तो गाइस बस मैं निकल रही हूँ बच्चे को लेने के लिए, तो पहले जो थोड़ा मैंने रोज पेटल मंगाए थे उससे यहाँ वेलकम लिखूंगी, थोड़ा रोज वहाँ तक रखूंगी लिफ्ट तक, ठीक करके फिर निकलते हैं। तो मेरे ना वो स्टार्ट होगी पहले।
जाएगी तो देख लियो, पूरी प्रिपरेशन करके आई हूँ तो ये उस पर भी आराम से सोएगा, मैंने वो वाले गद्दे लगा दिए। ठीक है तो गाइस चोरी ये है कि ये दो दिनों समझा दो। तो वेलकम वेलकम, चलो 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 बाबू अब तोड़ जाओ केक तो काट दे, तेरे फोन दे दे। या आज तक ना मैंने इतना फास्ट बर्थडे नहीं देखा। वीडियो देखा आपने? हाँ देखी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। विदाउट नुपुर मैम ये चीजें बहुत ही इम्पॉसिबल थी, क्योंकि जैसी मेरी चीजें रही स्टार्टिंग से, और मतलब बोलते ना मिरेकल मिरेकल चाइल्ड, तो वो ये है। हेलो और मुझे थोड़ा सा एंग्शियसनेस भी थी, बट इन द लास्ट हेल्दी मदर है, हेल्दी बेबी है, वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीज। प्लीज सब कुछ बहुत अच्छे से गया, क्योंकि प्रेशर भी थोड़ा रहता है कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी हो, तो इट वॉज वेरी नाइस। वंस अगेन बच्चा स्वस्थ है और माँ बाप बच्चे की खुशियाँ माने, इनका नाम भी उन्होंने बड़ा अच्छा रखा, खुद ही रिवील करेंगे, बट इनकी थॉट प्रोसेस भी थी उसके पीछे एक, वो धीरे धीरे व्यूअर्स को पता चलती रहेगी। वंस अगेन मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ एडवेंट हॉस्पिटल, आई थैंक यू एवरी वन, माई स्टाफ एवरी वन, थैंक यू। देख पा रहे हैं लाइफ, अगर आपको भी प्रेगनेंसी की दिक्कत है, फिर माँ बनने में दिक्कत है, तो देखो अच्छी चीज़ें हैं कुदरत करता, पर कुदरत से पहले डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर नुपुर, और आपको आईवीएफ की जर्नी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी है, आप इनसे ज़रूर मिलें, और बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जितना बोले उतना ज़्यादा। देखो रुपए पॉलिटिशियंस भी पहनते हैं, सोच के ही पहनना, टाइम का पता नहीं चलता, पायल हम देखते थे ये टाइम कब आएगा, तो टाइम का पता नहीं।